सरकार ने जीएसटी के नए रिटर्न फॉर्मेट को जारी कर दिया है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीएस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार ने 8 मार्च 2019 को जीएसटी के नए रिटर्न फॉर्मेट को रिलीज कर दिया है, यानी कि नॉर्मल टैक्सपेयर के लिए जीएसटी की रिटर्न किस प्रकार होगी, सुगम के अंतर्गत जीएसटी की रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है और सहज की जीएसटी की रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी है और उसका फॉर्मेट क्या होगा। यह रिटर्न फॉर्मेट जीएसटी आरईटी की मंथली, क्वार्टरली या फिर नॉर्मल जीएसटी की जो रिटर्न भरी जाएगी इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, इसमें क्या क्या होगा। इसमें सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट आपको करना होगा, उसके बाद इसमें नेक्शन नंबर 1 है यानी कि आउटवर्ड सप्लाई, इंपोर्ट, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज आपको भरनी है। अनेक्शन नंबर 2 में आपको इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है और अनेक्स्ट जीएसटी आरईटी 1 में आपको मंथली या फिर क्वार्टरली जो नॉर्मल रिटर्न है उसकी डिटेल जाएगी। जीएसटी एनएक्स 1A के अंतर्गत आपकी अमेंडमेंट जाएंगी और जीएसटी आरईटी 1A के अंतर्गत आपकी अमेंडमेंट जीएसटी आरईटी 1 से रिलेटेड जाएगी। यहाँ पे जो जीएसटी पीएमटी 08 है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड होगा। यह है सुगम रिटर्न के लिए फॉर्मेट, यानी कि जीएसटी आरईटी 3 जो कि क्वार्टरली रिटर्न होगी जिसमें कि आप अमेंडमेंट भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो प्रोफाइल अपडेशन होगा यानी कि जो इंटीमेशन होगी कि आप इस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं वो आपको देनी होगी। उसके बाद आपको अनेक्शन 1 होगा यानी कि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई जिसपे कि रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी लगता है। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड अनेक्शन 2 होगा, क्वार्टरली रिटर्न का आरईटी 3 होगा अनेक्शन, अनेक्शन 1A जो है वो अमेंडमेंट होगी अनेक्शन 1 में से रिलेटेड इससे रिलेटेड, और जीएसटी आरईटी 3A होगा जो कि अमेंडमेंट होगी जीएसटी आरईटी 3 से रिलेटेड रिटर्न से रिलेटेड, और जो आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी वो जीएसटी पीएमटी 08 में करनी होगी। यह सहज रिटर्न के लिए फॉर्मेट, यानी कि जीएसटी आरईटी 2 क्वार्टरली रिटर्न इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। इसमें क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो प्रोफाइल अपडेशन होगा यानी कि आपको इंटीमेशन देना होगा। उसके बाद अनेक्शन 1 होगा यानी कि आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी लगता है वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखानी होगी, और अनेक्शन 2 में आपको इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड अनेक्शन है, आरईटी 2 में आपको क्वार्टरली रिटर्न से रिलेटेड अनेक्शन है, अनेक्शन 1A के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट जो होंगी अनेक्शन 1 से रिलेटेड वो यहाँ पे भरनी होंगी, और आरईटी 2A के अंतर्गत आपको जीएसटी आरईटी 2 की जो अमेंडमेंट होंगी वो भरनी होंगी, और उसके बाद आप जीएसटी की पेमेंट करेंगे पीएमटी 08 फॉर्म को यूज़ करते हुए। इन फॉर्म्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ।